देता है। आज लोगों को देखो नमाज छोड़ के कमाते हैं, वो कमाई जो नमाज छोड़ के कमाई जाती है बेबरकत कमाई है। और इसीलिए अल्लाह जुमा के दिन देखो अल्लाह फरमाता है जुमा के दिन बंद कर डालो, अजा होते ही मस्जिद में आओ। अल्लाह बोलता है जो दो तिजारत तुम्हें दुकान में बैठ के करे मस्जिद में आकर भी गोया अल्लाह से तुम तिजारत कर रहे हैं। मस्जिद में तिलावत कुरान जिक्र खुतबा सुनते वो भी तिजारत है, मगर इस तिजारत में पूरा नफा ही नफा है। हम क्या करते हैं लोग जुमा के दिन दो भाइयाँ रहते, जल्दी एक जगह नमाज होती, देर जगह नमाज होती, लोग क्या करते हैं दुकान बंद नहीं करते मगर मस्जिद को देर से आते, तू वहाँ चल जा मैं यहाँ चल जाओ। याद रखो अजा होने के बाद जो भी बय करते खरीद व फरोख्त करते वो हराम है, और जो पैसा कमाओगे वो गलत है। अल्लाह फरमाता है देखो रिस्क का मेरा जिम्मा हमारे, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन सूरह जुमा की आयतों के बाद आई। अल्लाह क्या फरमाता है अल्लाह की खातिर अगर तुम बंद करके आए, याद रखो जुमा से पहले एक ग्राहक आएगा तो जुमा के बाद अल्लाह 10 ग्राहक को भेजेगा। लिहाजा इस तरीके से हमें तिजारत में भी मुकम्मल तौर पर सही बात बोलना चाहिए।